हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का जो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाला है, कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर वायरल हो चुका है। यही प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक स्कूल में आने वाला है, तो इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण आप हल जरूर देखें। फ्रेंड्स, देखिए, जब प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे अनुक्रमांक आपको लिखना होता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करने के लिए जो आपके पास समय मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय मिलता है और सामाजिक विज्ञान के पेपर का जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा। इसके कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, तो इस सामान्य निर्देश को आप देख लीजिए। देखिए, पालन निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। सेकेंड निर्देश है कि 15 मिनट जो होता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय मिलता है। थर्ड वाला है कि इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब होगा। खंड अ में 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, ओएमआर सीट मिलेगा, उस ओएमआर सीट पर इसका आंसर देना होगा। देखिए, आपको ध्यान क्या देना है कि जो ओएमआर सीट होता है उस पर आपको किसी प्रकार का काट पिट नहीं करना है, न इरेजर का प्रयोग, न वाइटनर का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग कभी भी आपको नहीं करना है। देखिए, आपका खंड ब होगा, उसमें 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न होगा, वर्णात्मक फर्स्ट होगा, वर्णात्मक सेकेंड होगा और मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर का क्या आपका है निर्देश कि मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके मुख्य निर्देश थे जिसे आपको पहले से पढ़ के जानना जरूरी है। अब फ्रेंड्स, यहां से देखिए आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। खंड अ है जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। ठीक, इसको भी ध्यान आपको देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला नंबर का सवाल क्या है कि जर्मन संस्कृत में बोक्स जिस्ट का आशय था। ठीक है, इसका ऑप्शन है राष्ट्र से संबंधित, संविधान से, आम जनता से या संसद से था। यहाँ पे देखिए, बोक्स जिस्ट का जो आशय था वो आपका किससे था, तो राष्ट्र से था। ठीक है, किससे था फ्रेंड, राष्ट्र से। इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला नंबर का देखिए आपका सवाल क्या है, सेकेंड वाला कि स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज पुस्तक लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जिस प्रश्न का आंसर पहले से आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑप्शन है वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया या न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर का क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है 1914 में हुआ था, 1939, 1919 या 1942। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में आप याद रखिएगा, जो 1919 है यहाँ पे 2 घटनाएं प्रमुख है। 1919 में रोलेट एक्ट आया था। दूसरी घटना याद रखिएगा कि 1919 में ही आप अमृतसर की घटना, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वो घटना घटी थी। इसके साथ में 1942 याद रखिएगा कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। एक पॉइंट जो 1919, 1942, 1914 इसे आप जरूर याद रखिए। ठीक है, आपके सामने अगला पांचवा नंबर का सवाल देखिए क्या है कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाले नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो सूत काटने वाले नई मशीन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन है हार्ग्रीव्स ने किया था, रिडले ने किया था, स्टैनली ने या जोहन ने। तो सूट काटने वाले मशीन का जो आविष्कार किया था हार्ग्रीव्स साहब ने किया था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए जितने भी प्रश्न है इन प्रश्नों का आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यही प्री बोर्ड के पेपर में आपका आने वाला है। आपको पहले से भी पता चल जाएगा कि प्री बोर्ड के पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए छठवां नंबर का सवाल क्या आपका, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ऑप्शन इटली में हुई थी, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो संसदीय प्रजातंत्र की अपना स्थापना किस देश में हुआ था? तो संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना हुआ था वो आप इंग्लैंड देश में हुआ था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सातवां नंबर का सवाल देखिए कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? यहाँ पे बताना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसको प्राप्त है, राज्य को प्राप्त है, संघ को प्राप्त है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा जो अवशिष्ट शक्तियां होता है वो केवल संघ में होता है। कहाँ पे? संघ के पास होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर सवाल देखिए आठवां नंबर का क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, यानी भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म किसे माना गया है? हिंदू धर्म को माना गया है, या इस्लाम को माना गया है, ईसाई धर्म को, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान जरूर आप दीजिएगा कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई नहीं है, यानी किसी भी धर्म को एक आधिकारिक धर्म नहीं माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर दसवां नंबर का देखिए कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पे राज्यों की संख्या यदि पूछता है कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है, तो टोटल 28 है। कितना है? 28 याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो कितना है, तो वर्तमान समय में 8 है। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 8 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? यहाँ बताना है कि जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ऑप्शन है बागान, चारागाह, भूमि या खनिज संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो संसाधन के रूप में यूज करता है, जैसे बागान का एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं, चारागाह का, खनिज संसाधन। लेकिन भूमि क्या है? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? ठीक है, ऑप्शन है पंजाब में होगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। सीढ़ीदार जो खेती होती है वो आपका उत्तराखंड में होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पे होती है, तो उत्तराखंड में। यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि सीढ़ीदार खेती को किस नाम से दूसरे नाम से जानते हैं, उसे सोपान खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सीढ़ीदार खेती को सोपान खेती के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में होता है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 13वां नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? खनिज आधारभूत कौन सा है? ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो खनिज आधारभूत जो आपका है वो लौह अयस्क है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा खनिज आधारभूत है, तो लौह अयस्क है। अगला नंबर देखिए 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? अति दुर्गम स्थान का मतलब होता है कि जहाँ पे आप आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं, जैसे आप एक देश से दूसरे देश में आसानी से नहीं जा सकते हैं, या पहाड़ी वाले स्थानों पे आप आसानी से नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा परिवहन यूज करते हैं? तो वहाँ पे वायु, हवाई जहाज का यूज करते हैं। तो वहाँ पे होगा आपका वायु परिवहन। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, वायु परिवहन के द्वारा। तो अति दुर्गम स्थान पे जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग करते हैं, तो वायु परिवहन। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिए 15वां नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन, यहाँ पत्तन है ना, पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है कांडला, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह स्थित है उसे कौन सा है, तो कोच्चि है। तो देखिए पत्तन को ही बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो कोच्चि है। ठीक है, 16वां नंबर देखिए कि निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ पे है? ऑप्शन हरियाणा का है, बिहार, राजस्थान या मेघालय। ठीक है,
देखिए यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय सर्वाधिक है आपका हरियाणा राज्य का है। कहाँ का है? हरियाणा का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हरियाणा, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर देखिए 17 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य किसे रखा गया है? ऑप्शन है नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इनमें से जो ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला 58 नंबर का देखिए सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, यानी सेवा क्षेत्र को कहाँ पर रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत? तो जो सेवा क्षेत्र है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा एक प्रश्न बार बार आपसे पूछता है कि कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए 19 नंबर का सवाल क्या है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, यानी दो राज्यों के बीच में यदि वस्तु का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो दो राज्यों के बीच में यदि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसके अलावा दो देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, जो यहाँ पे एक मार्क है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपयोगी वस्तु, सेवा वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, या खाद्य वस्तु? यहाँ पे याद रखिएगा जो एक मार्क लगाया जाता है तो किन वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, वो खाद्य वस्तु जो होते हैं, खाने योग्य जो वस्तु होती है उस पर एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब देखिए यहाँ से अब स्टार्ट होता है खंड ब, जहाँ से आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट है जिसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहले इन प्रश्नों को आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको मानचित्र से संबंधित जो सवाल है, आपको मानचित्र से संबंधित जितने भी सवाल है उसका आंसर आपको साथ में बताने वाले हैं। ये जो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप देख के जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका पहला नंबर का सवाल कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। टोटल कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। अथवा में देखिए दिया है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या थे, इसका 4 नंबर। देखिए अथवा का मतलब होता है कि यहाँ पे दो प्रश्न देगा, दो प्रश्न में से एक ही प्रश्न आपको करना रहता है, एक प्रश्न को आपको छोड़ देना है। इन दोनों प्रश्नों में से जो प्रश्न आएगा उसे आपको हल करना है। अगला नंबर देखिए, दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा हम देखिए क्या दिया है कि भूक्षरण को रोकने के कोई 3 उपाय आपको बताना है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले किसी की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख विशेषता के बारे में आपको बताना है। आपका अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। अथवा में देखिए क्या है कि राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी प्रश्न बताए टोटल प्रत्येक जो प्रश्न था 4-4 नंबर का था, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है वर्णात्मक सेकेंड। अब वर्णात्मक सेकेंड में देखिए क्या है कि आपको जो उत्तर देना 150 शब्दों में देना है, और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 5वां नंबर का सवाल क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के योगदान के बारे में आपको बताना है। अथवा में देखिए दिया है कि ब्रिटेन बुट्स G1 किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में तैयार कर लीजिए। आपका अगला नंबर का देखिए सवाल क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में देखिए क्या है कि एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला देखिए 7वां नंबर का सवाल क्या है आपका कि संसाधन का अर्थ लिखिए एवं संसाधन के रूप में भूमिका का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसका व्याख्या करना है आपको। इसके अलावा अथवा में दिया है कि भारत में पाए जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है, ठीक है।
अब देखिए आप अगला नंबर का प्रश्न क्या है, आठवां नंबर का, कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में देखिए साथ में क्या दिया है कि वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखिए यहाँ पे अब जितने प्रश्न थे टोटल छह छह नंबर के प्रश्न थे, यहाँ पे आपको अति लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी जितने भी प्रश्न बताए हैं इन प्रश्नों का साथ में आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आप देखते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्न, ठीक है। देखिए मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पे नौवां नंबर का है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा दर्शाना है, सही नाम और सही अंकन के लिए एक बटा के दो नंबर मिलने वाले हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए मानचित्र से संबंधित जो आपके पेपर में प्रश्न आते हैं टोटल 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला नंबर जो सवाल है क वाला, वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी, ठीक है। ये पहली राजधानी कहाँ पे बनाई थी, ये बनाई थी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। अब कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे कोलकाता है? तो पश्चिम बंगाल में। इसे याद रखिएगा, तो मानचित्र भी इसे भर लीजिएगा। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो कोलकाता में बनाई थी। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर। गोरखपुर। और गोरखपुर आप सभी को पता होगा गोरखपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर जो सवाल है आपका, स्थान वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपका अमृतसर में है। कहाँ पे है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर। और ये अमृतसर है कहाँ पे? तो पंजाब में है। अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब में। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है कहाँ पे है? तो आनंद भवन जो आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है। तो आपका आनंद भवन कहाँ पे है? इलाहाबाद में, ठीक है। इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लीजिए और मानचित्र पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगला नंबर का देखिए, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पे प्रथम अधिवेशन हुआ था? मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। दृष्टिबाधित जो छात्र है जिसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उनके लिए ये प्रश्न है। लेकिन निर्देश क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न करें। यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र होंगे उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है क्या, किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी? तभी आपको पता है कोलकाता में। चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो ये किया था चंपारण में। अगला प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। आनंद भवन कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में। अभी सब प्रश्न बताए। देखिए आपका मानचित्र से संबंधित अगला प्रश्न क्या है, दसवां नंबर का, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। पहला देखिए आपका नागा अर्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा दिखाना है। देखिए नागा अर्जुन जो सागर बांध आपका पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य में नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र देखिए आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा है, बिहार है, ठीक है, झारखंड है, कहीं भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है और झारखंड में भी है। इसके अलावा देखिए हैदराबाद नगर कहाँ पे है? तो हैदराबाद नगर आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिख लीजिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए आपको क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो आप पश्चिम जम्मू कश्मीर से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, तो आप जम्मू कश्मीर में दिखा सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो वहां पर दिखा दीजिएगा। कपास उत्पादक क्षेत्र का, तो कपास उत्पादक आप दिखा सकते हैं पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दिखाएंगे? पश्चिम बंगाल में कपास उत्पादक, या गुजरात में दिखा दीजिएगा कपास उत्पादक, ठीक है। कहाँ पे दिखाएंगे? गुजरात, पश्चिम बंगाल में, दोनों में से कहीं दिखा सकते हैं। देखिए आपका अब वही प्रश्न जो है केवल दृष्टिबाधित जो छात्र उनके लिए है।
देखिए नागार्जुन, सागरबांध जो अभी बताएं, बॉक्साइट, हैदराबाद, ये सभी प्रश्न बताएं। बस ये जो दृष्टिवादी जो छात्र होते हैं उनको मानचित्र से संबंधित सवाल नहीं करना होता है, और जो दृष्टिबाधित छात्र नहीं होते हैं उनको मानचित्र से संबंधित सवाल करना होता है, ठीक है। ये जितने भी प्री बोर्ड 2024 में आने वाला पेपर था उसका संपूर्ण हल बताएं आप सभी को, और यही पेपर आपके 2024 में होने वाला प्री बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।